अस्सलाम वालेकुम विवर्स, आज मैं आपको पास्ता बनाना बता रही हूँ। देखिए पास्ता है, मैं बॉईल करने के लिए डाल रही हूँ। इसमें मैं 2.5 बॉल्स वाटर डालूंगी बॉईल करने के लिए, और इसे 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ मैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ मैं। अब इसको अपन 15 मिनट्स बॉईल करेंगे, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको बॉईल करने के बाद। ये बॉईल्ड हो गया पास्ता, अब मैं इसको स्ट्रेनर में डाल दे रही हूँ स्ट्रेन करने के लिए। देखिए पास्ता बनाने के लिए अपने को ये इंग्रेडिएंट्स होना है, जिसके लिए मिर्ची, नमक, टमाटो प्यूरी और पास्ता का जो बॉईल करे सो सूप, टमाटो सॉस, शेजवान चटनी, ग्रीन मिर्ची, हरी मिर्ची, लहसुन चॉप कर लिए, मैगी मसाला, पास्ता मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ऑयल, बॉइल्ड हुआ पास्ता। अब स्टार्ट करेंगे अपन। 2 स्पून ऑयल डालेंगे अपन। अब मैं इसमें चॉप्ड हरी मिर्ची और चॉप्ड लहसुन डाल के फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी, जो टमाटो के मैं ग्राइंड कर ली, वो डाल दूँ। देखिए मैं टमाटो प्यूरी टमाटो सॉस डाल रही हूँ, शेजवान चटनी डाल रही हूँ मैं, ये मिक्स कर ली है सब। हाफ टी स्पून नमक डाली मैं, बॉईल करते वक्त भी डाली थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। 3/4 टीस्पून रेड मिर्ची, पिंच हल्दी, ¾ टीस्पून धनिया पाउडर, पूरा ये सब मिक्स करना। अब अपन इसमें मैगी मसाले का जो पैकेट रहता है वो फुल डाल देंगे पूरा। ¾ टीस्पून पास्ता मसाला, 1/4 टीस्पून इसको अपन पूरा मसाला जो डाले उसको पूरा अच्छा फ्राई करेंगे। अब जो सूप रखी थी बॉइल पास्ते का वो डाल दी, 1 बॉल, पूरा अच्छा मिक्स कर लेंगे इसमें, पूरा डिजॉल्व हो गया सब सूप में। अच्छा ग्रेवी हो गया ऐसा, 2 मिनट तक अपन इसको कुक करेंगे, उसके बाद अपन पास्ता डालेंगे जो बॉईल करके रखे। अब अपन इसमें अच्छा सा मिक्स हो गया, 2 मिनट तक मैं भूनते रही, अब मैं पास्ता डाल दूंगी जो बॉईल करके। आप ऐसा बनाइए, बहुत टेस्टी होता, बच्चे बहुत शौक से खाते। मिक्स करेंगे अपन, स्लो पे करके मिक्स करेंगे, क्योंकि पूरा ग्रेवी में पास्ता मिक्स होना है। अच्छा मिक्स करने के बाद कोरिएंडर लीव्स, कोथमीर ऊपर से डालेंगे। देखिए मैं कोथमीर डाल रही हूँ, कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। नाउ पास्ता इज रेडी, टाइम टू सर्व। चलिए मैं डिश आउट करके आपको बताऊंगी। देखिए पास्ता बनके रेडी हो गया, मैं प्लेट आउट कर दी।
मैं जैसा बताई आप ऐसा बनाइए, बहुत टेस्टी होता, बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे इस स्टाइल का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जब भी कोई नई डिश अपलोड करूँगी तो आप तक पहले पहुँचेंगी। फिर मिलेंगे नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।